तो काइजर, आज लॉस सेंटोस का मौसम हो रखा है बहुत ही ज्यादा बढ़िया और मैं डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ आ चुका हूँ बीच पर योगा सीखने। आज डॉक्टर स्ट्रेंज मुझे योगा सिखाएगा, उसके बाद जादू सिखाएगा, उसके बाद मैं भी डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह जादू कर पाऊंगा। अरे फ्रैंकलिन, तुमने लगता है ज्यादा ही बोल दिया, तुम मेरी तरह जादू कभी नहीं कर पाओगे। मैंने इस जादू को सीखने के लिए पूरे 10 साल मेडिटेशन करे। अगर मैं यहाँ पर फुटबॉल लेना चाहूँ तो मैं फुटबॉल ला सकता हूँ। इसकी शक्तियां तो बहुत ही खतरनाक है। एक और फुटबॉल, फुटबॉल ही फुटबॉल। अरे डॉक्टर स्ट्रेंज, मुझे भी सिखाओ ना। हाँ फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। आ जाओ मेरे साथ, बोलो ओम ब्रीम कोल्ड क्रीम। ओम ब्रीम कोल्ड क्रीम। इस गर्मी में मुझे लाकर कोई दे दो ठंडी आइसक्रीम। अरे अभी ठंडी आइसक्रीम कहाँ से लाऊं? अरे फ्रैंकलिन, ये मंत्र है, बोलो मेरे साथ। अच्छा, डॉक्टर स्ट्रेंज हम आ गए, ये यहाँ पर बैठ के योगा कर रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी आंखें खोलो। तुम कौन हो? डॉक्टर स्ट्रेंज ध्यान से देखो, हम भी तुम्हारी तरह डॉक्टर स्ट्रेंज है। अरे कौन हो, निकलो ऐसे। ये चूजा कौन है? अबे चूजे, तू बीच में मत बोल, निकल यहाँ से। तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने फ्रैंकलिन को क्यों मारा? अबे हमारी बात सुन, हम है इविल डॉक्टर स्ट्रेंज और हमें डोर मामू ने बनाया है। डोर मामू पूरे लॉस सेंटोस पर राज करना चाहता है। हमें तुम्हारी शक्तियाँ चाहिए, जल्दी से अपनी शक्तियाँ दे दो। मैं तुम्हें अपनी शक्तियाँ कभी नहीं दूंगा, तुम पूरे लॉस सेंटोस को खत्म कर दोगे। और डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ एक ही है, वो हूँ मैं। मुझे पता था तुम ऐसे नहीं मानोगे, इसलिए मैं डोर मामू को अपने साथ लेकर आया हूँ। डोर मामू आइए। डॉक्टर स्ट्रेंज, मुझे पता था तुम ऐसे नहीं मानने वाले, मुझे अपनी शक्तियाँ दो, मैं इस लॉस सेंटोस पर राज करूँगा। अगर तुम मुझे अपनी शक्तियाँ दो दोगे तो तुम जिंदा बच जाओगे, वरना मैं तुम्हें मार के तुम्हारी शक्तियाँ ले लूंगा। अरे ये क्या चल रहा है, ये लोग कौन है? ये तो सेम डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे दिख रहे हैं, और इन्होंने मुझे क्यों मारा? डॉक्टर स्ट्रेंज मुझे अपनी पावर्स दे दो। मैं तुम्हें अपनी पावर्स कभी नहीं दूंगा डोरमामू, तुम कुछ भी कर लो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैंने बोला था या तो शक्तियाँ दे दो या तो मैं खुद मार कर ले लूंगा। निकल यहाँ से, तुझे मुझे शक्तियाँ देनी ही पड़ेगी, मैं तुझे खत्म कर दूंगा डॉक्टर स्ट्रेंज। अरे यहाँ पर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। पता नहीं कौन डोरमामू और अलग अलग तरह के डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर आ गए, जल्दी से यहाँ से निकल लेते, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। मुझे बचाओ फ्रैंकलिन, मुझे बचा लो। अरे डॉक्टर स्ट्रेंज क्या हो गया, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो फ्रैंकलिन, बेशरम। अरे जल्दी गाड़ी में बैठो वरना वो डोर मामू आ जाएगा। अरे वो डोर मामू आएगा नहीं, वो देखो पीछे आ गया। ए डॉक्टर स्ट्रेंज रुक जा, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अरे कैसा ये डोर मामू का बच्चा तो इधर आ गया, हमें छोड़। अरे अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अरे ये तो हमारी गाड़ी की हालत खराब कर देगा। फ्रैंकलिन जल्दी गाड़ी भगाओ, तुम मुझसे बच के नहीं जा पाओगे, रुक जाओ। अरे भागो, ये तो बहुत ही खतरनाक है। फ्रैंकलिन जल्दी गाड़ी चलाओ, जल्दी चलाओ। अरे चला रहा हूँ। अरे कैसे ये डोर मामू का बच्चा तो बिल्कुल ही पागल है। अरे फ्रैंकलिन जल्दी चलाओ वरना हम जिंदा नहीं बचेंगे। अरे मैं क्या करूँ, ये वैन इतनी ज्यादा स्लो है। पीछे देखो वो डोर मामू भी आ रहा है। अरे जल्दी भागो, जल्दी भागो। अरे कैसे हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, वो डोर मामू का बच्चा तो हमारे पीछे पड़ गया है। फ्रैंकलिन गाड़ी भगाओ। अरे डोर मामू छोड़ दे हमें। तो काइजर अभी डॉक्टर स्ट्रेंज और मैं मेरे घर पर आ चुके हैं, अबे डॉक्टर स्ट्रेंज अंदर आ जा वरना वो डोर मामू फिर से आ जाएगा। तो उसने हमारी वैन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी, पर फिर भी हम कैसे करके बचते बचाते यहाँ पर आ गए। अरे फ्रैंकलिन अब हम क्या करेंगे, वो डोर मामू हमें कभी भी ढूंढ सकता है, और अगर उसने हमें ढूंढ लिया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। अरे हम क्या कर सकते हैं, उस डोर मामू के बच्चे ने इविल डॉक्टर स्ट्रेंज बना दिए और उसको तुम्हारी पावर्स चाहिए, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो डोर मामू पूरे के पूरे लॉस सेंटोस को खत्म कर देगा। अगर मैंने उसको अपनी पावर्स नहीं दी तो पूरा लॉस सेंटोस खत्म हो जाएगा।
अरे पर अगर तूने उसको अपनी पावर्स दे दी तो भी वो लॉस सेंटोस को खत्म कर देगा। हाँ फ्रैंकलिन, तुम्हारी बात तो सही है, हमें उसको हराना ही पड़ेगा। अरे पर कैसे हराएंगे, कैसे हरा सकते हैं डोरवामू को? अरे फ्रैंकलिन, हमें किसी की मदद लेनी पड़ेगी। ऐसा कौन है जो हमारी मदद कर सकता है जिसके पास बहुत ही खतरनाक पावर्स हो जो डोरवामू से लड़ पाए? फ्रैंकलिन, ऐसा कोई एवेंजर या फिर सुपर हीरो तो नहीं है। अरे वो तो मुझे पता है, कोई तो होगा जिसको पता होगा। एक सेकंड, गूगल। क्या, कौन गूगल? अरे गूगल मतलब गूगल, गूगल से पूछ सकते हैं। एक गूगल ही है जिसको सब पता होता है, हम उससे पूछ सकते हैं कि डोरवामू कैसे हरा है। हाँ फ्रैंकलिन, जल्दी जल्दी पूछो। चलो कैसर, फटाफट से गूगल से पूछते हैं हम कैसे हरा सकते हैं डोरवामू को। चलो फटाफट से चलते हैं। तो कैसर, अभी आप देख सकते हो हम आ चुके हैं गूगल पर। और कैसर गूगल आप और कैसर गूगल से हमें पता करना है कैसे हरा सकते हैं हम उस डोरवामू को। फटाफट से लिखते हैं, तो फटाफट से लिखते हैं, हेलो गूगल बाबा, मुझे डोरवामू को हराना है, तो उसको कैसे हराएं? क्योंकि वो लॉस सेंटोस को खत्म करना चाहता है। तो कैसर अभी आप देख सकते हो हमने यहाँ पर लिख दिया है, हेलो गूगल बाबा, मुझे डोरवामू को हराना है, तो उसको कैसे हराएं? क्योंकि वो लॉस सेंटोस को खत्म करना चाहता है। तो फटाफट से गूगल से पूछते हैं, देखते हैं हमें गूगल क्या आंसर बताने वाला है। 3, 2, 1, go। तो कैसर अभी आप देख सकते हो ये सर्च करने के बाद यहाँ पर दो दो फोटोज आ चुकी है, और इसमें से एक है डॉक्टर स्ट्रेंज का केप, और ये दूसरी क्या चीज है, यहाँ पर लिखा हुआ है इस अगुमोटो की आग को अपने पास लाओ, उससे तुम्हारी शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, और साथ में डॉक्टर स्ट्रेंज का केप भी लाना, तो तुम दुनिया के सबसे खतरनाक डॉक्टर स्ट्रेंज बनने वाले हो। तो कैसे अभी गूगल ने दो फोटोज दे दिए और बोला इन दोनों चीजों को लाने के लिए, अगर हमने ये ला दिया तो लॉस सेंटोस को हम डोरवामू से बचा सकते हैं। तो फटाफट से चलते हैं इन दोनों चीजों को लाते हैं, पर ये मिलेगी कहाँ वो पता नहीं है। तो कैसे अभी अभी मैंने गूगल से पूछ लिया और हमें पता चला है अगर हमें डोरवामू को हराना है तो हमें ये डॉक्टर स्ट्रेंज की जो आंख लगी हुई ना, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमको वो अगुमोटो की आंख चाहिए होगी। क्या, वो मिलना तो बहुत मुश्किल है, वो तो जंगलों के बीचों बीच होती है। हाँ तो हमें वो चाहिए और ये डॉक्टर स्ट्रेंज का केप चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हमें मिल जाए तो हम डोरवामू को हरा सकते हैं। फ्रैंकलिन, केप तो मेरे पास है, पर हमें वो आंख चाहिए होगी और वो लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। डॉक्टर स्ट्रेंज, तुझे उसको लाना ही पड़ेगा अगर तुझे लॉस सेंटोस को बचाना है। मुझे, मैं कुछ नहीं करने वाला। अगर डोरवामू ने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं यहाँ पर बैठ रहा हूँ, तुम जाके उस अगुमोटो की आंख लेके आओ। अरे पागल हो गए डॉक्टर स्ट्रेंज, मैं कहाँ से लेके आऊंगा? मुझे नहीं पता, कहाँ से भी लेके आओ, मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ, वो जंगल के बीचों बीच मिलेगी। अरे ये डॉक्टर स्ट्रेंज तो पागल हो चुका है, और वो पीछे जो केप है उसका क्या? वो मेरे वाले से काम चला लेंगे। अरे ऐसे कैसे काम चला लेंगे, गूगल बाबा ने बोला है अलग से केप लेना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, पहले वो आंख तो लेके आए। तो कैसा, ये डॉक्टर स्ट्रेंज तो बहुत ही ज्यादा फट्टू निकला, ये डोरवामू से बहुत ही ज्यादा डर रहा है। तो कैसा, मुझे अकेले जाना पड़ेगा जंगल के बीचों बीच उस खतरनाक सी अगुमोटो की आग को लाने, वो भी अकेले। पर कैसर, हमें लॉस सेंटोस को बचाना है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो अगर आप मेरे साथ हो तो फटाफट से कमेंट में लिख दो, फ्रैंकलिन हम तुम्हारे साथ हैं। और अगर आपको भी डर लगता है डोरवामू या फिर जंगल से, तो फिर आप कमेंट कुछ मत करना। पर अगर आप किसी से नहीं डरते तो फटाफट से कमेंट कर दो, फ्रैंकलिन हम तुम्हारे साथ हैं। और अपन चलते फटाफट से जंगल के बीचों बीच। तो कैसर अभी हम जंगल के बीचों बीच ढूंढ रहे हैं अगुमोटो की आंख को, और बीचों बीच तो मैं आ गया। डॉक्टर स्ट्रेंज ने बोला था कहीं ना कहीं तो मिलेगी, पर मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं। एक सेकंड, यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर मुझे एक चीता और कुछ ब्लैक पैंथर दिख रहे हैं, पर ये सब साथ में क्या कर रहे हैं? एक सेकंड, इन सारे ब्लैक पैंथर के बीच में एक चीता है, वो अगुमोटो वाली आंख है। एक सेकंड, पर ये इसके पास क्या कर रही है? अरे ये कैसे हो सकता है, उसने तो बोला था जंगल के बीचों बीच मिल जाएगी, पर जंगल के बीचों बीच तो यहाँ पर चीता मिल चुका है, वो भी ब्लैक पैंथर के साथ। रुक जाओ, यहाँ पर जाके छुप जाते हैं। अरे पर मैं इससे लूंगा कैसे, ये तो चीता है, ये मुझे ऐसे दे तो ना देगा। रुक जाओ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वो अगुमोटो की आंख हमें चाहिए अगर हमें डोरवामू को हराना है तो। क्या हो गया? एक सेकंड, ये तो मेरे पीछे आ रहे हैं, भागो। अरे कैसर, ये क्या, ये सारे के सारे ब्लैक पैंथर तो मेरे पीछे पड़ गए। अरे अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं था, मैं तो सिर्फ देख रहा
करना, मुझे छोड़ दो। अरे ये इतने सारे ब्लैक पैंथर मेरे खींचे पड़ गए, भागो 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 जल्दी भागो। अरे ब्लैक पैंथर के बच्चों मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है? अभी तक तो मैंने चोरी करने का प्लान भी नहीं बनाया था और ये सब मेरे पीछे पड़ गए। अगर काइजर एक नॉर्मल कुत्ता काटता है तो 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, अगर ब्लैक पैंथर काटेगा तो पता नहीं कितने इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। अरे मुझे छोड़ दो, मैं जाऊंगा अपने घर पे, सॉरी। रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है, मैं इस टैंकर के ऊपर चढ़ने वाला हूँ। अरे ये तो अभी मेरे पीछे पा रहे, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, जल्दी चलिए चढ़ जाते इसके ऊपर। आ जाओ, अब पकड़ के दिखाओ ना क्या ही सही आइडिया लगाया। तो काइजर, इन सारे के सारे ब्लैक पैंथर को मैंने पागल बना दिया है और ये ऊपर नहीं आ सकते। मुझे पता था ऐसा कुछ कभी भी हो सकता है, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया था। ब्लैक पैंथर के बच्चों, तुम नहीं बचने वाले, ये लो कैच करो। और ये सब के सब गए एक ही बारी में। मेरा प्लान तो बिल्कुल अच्छी तरह काम कर गया। चलो फटाफट से यहाँ से चलते हैं। इनमें से एक भी नहीं बचा, वरना मेरी हालत तो बहुत खराब होने वाली थी। पर कोई बात नहीं, ब्लैक पैंथर को तो हमने मार दिया। अब बारी उस चीता के बच्चे की, जिसके पास वो अगोमोटो की आंख है। मैंने तेरे सारे के सारे पंटर लोगों को मार दिया, अब तेरी बारी आ चुकी है। चुपचाप अपने हाथ ऊपर कर ले, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। अरे चीता ने तो सही में अपने हाथों पर कर लिए। मुझे नहीं पता था कि चीता दो हाथों पर खड़ा भी हो सकता है, ये तो बहुत ही खतरनाक है। बिल्कुल भी हिलना मत, मैं ये अगोमोटो की आंख लेकर जा रहा हूँ, बिल्कुल भी मत हिलना चीता के बच्चे। तो काइजर, अभी आप देख सकते हो हमें खतरनाक सी अगोमोटो वाली आंख मिल चुकी है। बहुत ही ज्यादा मेहनत करी, मेरे पीछे पैंथर पड़े, एक चीता को मैंने दो हाथ में खड़ा कर दिया, पर आखिरकार हमें ये आंख मिल चुकी है। और गूगल ने वैसे हमें केप लाने के लिए बोला था, पर केप लाने का टाइम नहीं, क्योंकि लॉस सेंटोस को जल्दी से जल्दी बचाना था। फटाफट से डॉक्टर स्ट्रेंज के पास चलते हैं, ताकि उसकी शक्तियां हम और भी ज्यादा खतरनाक करके लॉस सेंटोस को बचा पाए। तो गाइस, अभी हम जल्दी से आ चुके अपने घर पर। डॉक्टर स्ट्रेंज, मैं ले आया, कहां पर है डॉक्टर स्ट्रेंज? डॉक्टर स्ट्रेंज, अबे ये तो यहाँ पर सो गया, पहले कोने में बैठा था, अब तो यहाँ पर सो गया। डॉक्टर स्ट्रेंज उठ जा। डोर मामू, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे डोर मामू नहीं, मैं हूँ फ्रैंकलिन। ओ फ्रैंकलिन, बताओ क्या हो गया? ये ले, मैं आई ऑफ अगोमोटो बोटो ले आया। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इसको पाने की 5 साल कोशिश करी थी और तुम 5 मिनट में ले आए। 5 मिनट नहीं, मुझे 5 घंटे हो चुके हैं, तो इतनी देर से सो रहा था। पर कोई बात नहीं, अभी आंख आ चुकी है, जल्दी जा इसकी पावर्स यूज करके उस डोर मामू के बच्चे को मार दे। फ्रैंकलिन, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ, इसकी मदद से मैं अपनी शक्तियां 100 गुना कर लूंगा। ओम भ्रीम कोल्ड क्रीम, इस गर्मी में जो भी खाए आइसक्रीम उसका हो जाए शिमशिम शिमशिम। अरे ये क्या, मैजिक का ग्रैंड मास्टर बन गया, मैं ये हमेशा से बनना चाहता था। फ्रैंकलिन, तुमने मेरी मदद करी ग्रैंड मास्टर बनने के लिए, बहुत शुक्रिया। अरे बहुत बड़े डॉक्टर स्ट्रेंज, अब जाके डोर मामू को हरा दे। तुम टेंशन मत लो, अब वो डोर मामू नहीं बचने वाला, क्योंकि मैं बन चुका हूँ ग्रैंड मास्टर। डोर मामू, आ रहा हूँ मैं। डोर मामू, मैं आ चुका हूँ। ये क्या, ये ग्रैंड मास्टर कहाँ से आ गया? ये ग्रैंड मास्टर नहीं, ये है तुम्हारा डॉक्टर स्ट्रेंज। मुझे दुनिया की सबसे खतरनाक पावर्स मिल चुकी है, अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ डोर मामू। सबसे पहले मैं ये डुप्लीकेट डॉक्टर स्ट्रेंज को खत्म करूंगा, जो कि पूरे लॉस सेंटोस वालों को परेशान कर रहे हैं। सबके सब होंगे खत्म। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे पास ग्रैंड मास्टर की पावर आ गई तो क्या हुआ, मेरे पास तुम्हारे से भी खतरनाक पावर्स है। मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी हूँ। वो तुम सपने में थे, पर अब मैं बन चुका हूँ ग्रैंड मास्टर। एक ग्रैंड मास्टर, तेरे जैसे ग्रैंड मास्टर को मैं सुबह अपनी पॉटी धोने के लिए बुलाता हूँ। अरे मैंने तो सोचा था मैं बहुत ही पावरफुल बन जाऊंगा और ये मुझे नहीं मार पाएगा, पर ये तो मेरी हालत खराब कर रहा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये ले डॉक्टर स्ट्रेंज के बच्चे, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मुझे बचाओ फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन मुझे बचा लो, भागो यहां से।
ये तो बहुत ही खतरनाक है, जल्दी से फ्रैंकलिन को फोन लगाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन मेरी मदद करो फ्रैंकलिन, डोरमेमू बहुत खतरनाक है फ्रैंकलिन। अरे पर हुआ क्या, वो मेरी हालत खराब कर देगा। फ्रैंकलिन जल्दी मुझे बचा लो, ये क्या डोरमेमू आ गया, भागो। अब तुझे कोई नहीं बचावेगा, ये ले मैं तुझे खत्म कर दूंगा डॉक्टर स्ट्रेंज। तो काइजर अभी अभी मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज का फोन आया था, उसकी हालत डोरमेमू ने बहुत ही खराब कर दी है। मैंने बोला था कि गूगल की बात सुन ले और एक केप भी हमें चाहिए होगा, पर उसने बोला नहीं इससे ही काम चल जाएगा। तो काइजर डॉक्टर स्ट्रेंज तो बच नहीं पाएगा, वो डोरमेमू सही में बहुत ही खतरनाक है, उस अगुमोटो की आग से भी। पर उससे भी मेरे पास एक खतरनाक सी चीज है, मुझे इसको पहले यूज कर लेना चाहिए था। हमारा खतरनाक सा ड्राइंग मैजिक बोर्ड। इस ड्राइंग मैजिक बोर्ड की मदद से हम इस पर कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे हम डॉक्टर स्ट्रेंज का बदला ले पाए, लॉस सेंटोस का बदला ले पाए और उस डोरमेमू को खत्म कर सके। तो फटाफट से चलते हैं ड्राइंग मैजिक बोर्ड पर और कुछ खतरनाक बनाते हैं। तो काइजर अभी आप देख सकते हो हम आ चुके हैं ड्राइंग मैजिक बोर्ड पर, और काइजर वो डोरमेमू सही में बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें उसको हराने के लिए कुछ ऐसा खतरनाक बनाना पड़ेगा जो कि उस डोरमेमू से भी खतरनाक हो। तो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ने बहुत कोशिश करी डोरमेमू को हराने के लिए, पर वो नहीं हरा पाया। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने हमें बोला था उसका बदला लेने के लिए, तो हम उसका बदला लेंगे एक खतरनाक सा डॉक्टर स्ट्रेंज बनाकर। पर ये डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज्यादा अलग और खतरनाक पावरफुल होने वाला है। तो सबसे पहले इसका अपन फेस बनाएंगे, ऊपर का पूरी के पूरा फेस बना देंगे। यहाँ पर इसका बन गया ये फेस, ये फेस बिल्कुल गोल गोल है, देखते हैं कौन इसको पहचान पाता है ये किसका फेस है। अब इसकी बाकी की पूरी बॉडी बनाते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज हमारा एक खतरनाक सा पीछे केप पहनता है, तो हम उसको केप को भी बनाने वाले हैं। यहाँ पर ऐसे पूरा एक केप बनेगा और इस साइड भी सेम टू सेम केप हम बनाने वाले हैं, जिसके पीछे इसका पूरा पर्दा बन लगा, जिसके पीछे इसका पूरा पर्दा होता है और ये उससे उड़ भी पाता है। तो फटाफट से इसको बना देते हैं। तो दोनों साइड हमारी यहाँ पर केप बन चुका है, अब इसकी बाकी की बॉडी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके हाथ बनाने वाले जो कि इधर से बनेंगे, तो इसका बनाते हैं यहाँ पर सबसे पहला हाथ। अब सबसे पहला हाथ क्यों बोल रहा हूँ वो भी आपको थोड़ी देर में पता चली जाएगा। तो सबसे पहले इसका हाथ बनने वाला है। डॉक्टर स्ट्रेंज का हाथ ज्यादा मस्कुलर होता नहीं है, इसलिए नॉर्मल सा हाथ बनेगा। यहाँ पर इसकी अंगुलियां बना देंगे, ये 1 2 3 4 5 और ये यहाँ पर इसका एक हाथ बन गया। अब यहाँ पर इसका दूसरा हाथ भी बना देंगे, ये बन गया इसके दो दो हाथ और यहाँ पर इसकी अंगुलियां भी बना देंगे। तो काइजर भी आप देख सकते हो दो हाथ इसके यहाँ पर बन चुके हैं। अब यार बाकी की बॉडी बनाते हैं, उसके बाद जो सबसे मेन चीज है वो बनाएंगे। यहाँ पर इसकी बॉडी ऐसे लेकर जाएंगे, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज नॉर्मल सा इंसान ही है, बस उसके पास खतरनाक पावर्स है। वो दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल सा ही लगता है। तो फटाफट से यहाँ पर उसकी खतरनाक बेल्ट पहना देंगे, यहाँ पे होता है उसके यहाँ पे चक्र बना हुआ, यहाँ पे बढ़िया सा इसको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर देंगे। और जो डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर कुर्ता पहनता है उसको भी फटाफट से बना देते हैं। यहाँ पर इसका ऐसे बन जाएगा कुर्ता। अब इसके बीच में से एक और कुर्ता निकलेगा और इसके बीच में से इसकी निकलेगी टांगे। और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को कंप्लीट कर दिया है, मतलब यार ये नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज तो हमने बना दिया, अब हम इसको खतरनाक बनाने वाले हैं। अभी तो ये बिल्कुल नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा है, पर अब हम इसको बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला डॉक्टर स्ट्रेंज बनाने वाले हैं। उसके लिए हम यहाँ पर इसको देंगे एक और हाथ। यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने इसको दे दिया ये तीसरा हाथ, दो हाथ इसके पहले से थे, ये बन गया इसका तीसरा हाथ और अब यहाँ पर बनेगा इसका चौथा हाथ। ये यहाँ पर हम इसको दे देते हैं इसका चौथा हाथ, इसको भी अंगुलियां दे देंगे। ये इसके चार हाथ, अब इसके चार हाथ बन गए। अब बारी इसके एक और हाथ की, जी हाँ एक और हाथ, ये इसका है पांचवा हाथ, इसको भी फटाफट से अंगुलियां दे देंगे, डन। और इस साइड में एक और हाथ देंगे, यानी कि छह छह हाथ इसके अभी हमने इसको दे दिए। यहाँ पर इसका बनाएंगे ऐसे हाथ कर देंगे, ये बन गया इसका सिक्स यानी छठा हाथ, यहाँ पर डन। अब यहाँ पर बनेगा इसका सातवा हाथ, सोचो यार कितने सारे हाथ हम इसको देने वाले, ये बन गया इसका सातवा हाथ, इसको फटाफट से कंप्लीट कर देते हैं। और अब ये बनेगा यहाँ पे आठवां हाथ, यहाँ पर आठवां हाथ भी बन गया और इनके बीच में से एक और हाथ निकलेगा, तो फटाफट से उसको भी बना देते हैं। और ये इसका बन गया नौवां हाथ, यहाँ पर बना देते हैं इसके अंगुलियां और इसके बीच में से भी निकलेगा ये है इसका दसवां हाथ। इस डॉक्टर स्ट्रेंज के 10-10 हाथ हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए इसको 10-10 हाथ की जरूरत पड़ती है। और इसके केप को भी यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर इसका केप निकलेगा और
और ये यहाँ पर ऐसे, और ये इसका केप यहाँ पर बन गया, इसके पैरों के बीच में भी निकाल देंगे, और ये हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज का केप यहाँ पर बन चुका है। अब बारी इसका फेस बनाने, क्योंकि फेस बहुत ही जरूरी है। और कैसर ये फेस डॉक्टर स्ट्रेंज का नहीं होने वाला, देखते हैं आप सब में से कौन गेस कर पाएगा किसका फेस ये होने वाला है। इसकी बनाएंगे आईब्रो, इसके बाल देखो, देखते हैं बालों से कौन गेस कर पाएगा कि वो एक चीज से गेस कर सकते हैं। और यहाँ पर इसकी आंखें बना देंगे, ये बन गई इसकी एक आंख, यहाँ पर बन गई इसकी दूसरी आंख। अब हम यहाँ पर बनाएंगे इसकी नाक, और ये नाक भी बन गई, और ये इसका मुंह। तो कैसर अभी आप देख सकते हो इसका मुंह भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब बारी इसके सब जगह डिजाइनिंग करने की, ताकि ये खतरनाक सा डॉक्टर स्ट्रेंज लगे, और पूरा डॉक्टर स्ट्रेंज का हम इसको सूट भी बनाने वाले हैं। तो फटाफट से करते हैं इसकी डिजाइन शुरू। यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे 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 करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे, ये हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज लगना चाहिए। बहुत ही सादा, खतरनाक, एकदम असली डॉक्टर स्ट्रेंज, वो भी मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ। तो इसके लिए उसके अंदर डिजाइन तो करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर इसको ऐसे कर देंगे, ये भी ऐसे। तो इसके तीन हाथ में तो डिजाइन दे दी, पर अब अभी भी यहाँ पर इसके पूरे के पूरे 10 हाथ है, इसलिए बहुत सारी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। तो फटाफट से इसको कंप्लीट कर दे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब ये डॉक्टर स्ट्रेंज बन जाएगा तब ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगने वाला है। यहाँ पर इसको ऐसे कर देंगे, ये ऐसे, और ये डन। और अभी इस वाले हाथ में भी कर देते हैं। तो कैसर अभी हमने इसके सारे के सारे हाथों में पूरा का पूरा कर दिया डिजाइनिंग, बढ़िया बढ़िया। अब इसके केप जो बीच का, ये अभी इसका ये बीच का है, इसमें भी हमको यहाँ पर थोड़ी डिजाइनिंग करनी है। तो फटाफट से यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे डिजाइंस बना देते हैं। और इसके बीच में आपको पता है एक लॉकेट पहनता है, वो ये लॉकेट भी हम इसको पहनाने वाले हैं। फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पर इसका ये लॉकेट आने वाला है, यहाँ से आएगा लॉकेट। ये लॉकेट में होती है एक आंख, और आंख के अंदर होती है बीच में एक और आंख, और जो कि हर जगह से लॉक होती है। तो फटाफट से इसको ऐसे कर देंगे, और ये डन। तो गाइस आप देख सकते हो इसका लॉकेट भी यहाँ पर बन चुका है। अब इसकी बेल्ट में भी थोड़ी सी डिजाइनें दे दी जाए, ये बेल्ट भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो इसके अंदर भी डिजाइनें देना बनता है, यहाँ पर ऐसे लेकर जाएंगे इसको, ऐसे, ये ऐसे। तो गाइस अभी आप देख सकते हो इसकी बेल्ट में भी हमने डिजाइन दे दिया है। अब बारी इसके जूतों में भी थोड़ी डिजाइन देने की, हर जगह डॉक्टर स्ट्रेंज की डिजाइन है, ताकि ये सूट लगे बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और गाइस लगभग हमारा यहां पे सूट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आ चुकी है इसके अंदर कलर करने की। तो फटाफट से लेते हैं अपना कलर और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे लाल कलर, और इसके केप में कर देंगे, क्योंकि केप इसका पूरा लाल कलर का, और यहां पर भी पूरा लाल कलर। तो लाल कलर होता है यहां पर डन, और कुछ लाल कलर का काम नहीं। अब हम लेंगे ब्लू कलर, क्योंकि ब्लू कलर लगभग इसके सारी जगह पर होता है। तो अभी हमने यहां पर ब्लू कलर ले लिया, और सब जगह ब्लू कलर करने वाले हैं, क्योंकि इसका लगभग पूरा का पूरा सूट ही ब्लू कलर का होता है। यहाँ पर इसकी लुंगी ब्लू कलर की, इसके जूते ब्लू कलर के, यहाँ पे बाद में ब्लैक कर देंगे, यहाँ पर ब्लू 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 ब्लू, हर चीज लगभग इसकी ब्लू कलर की होने वाली है। और इनके खड्डों के बीच में भी ब्लू कलर यहाँ पर करेंगे, इधर भी ब्लू 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 ब्लू, जितनी जगह ब्लू कलर होने वाला है वहां पर सब जगह ब्लू कलर दे देते, ताकि हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज बिल्कुल असली वाला डॉक्टर स्ट्रेंज लगे। वैसे है तो असली, पर ये बनाया मैंने ना, इसलिए असली दिखाना जरूरी है। तो फटाफट से यहाँ पर ऐसे ऐसे कर देंगे, इसको भी ब्लू कर देंगे, इसको भी ब्लू कर देंगे, इसको भी ब्लू कर देंगे, इसको भी ब्लू, इसको भी ब्लू, ब्लू, और ये ब्लू। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज हर जगह से ब्लू हो चुका है। और इसकी सारी की सारी बेल्ट को हम ब्राउन कलर का करने वाले, तो सारी की सारी बेल्ट को ओपन कर देते हैं ब्राउन कलर का, फिर थोड़ा और डार्क ब्राउन लेके इसके बीच की डिजाइनों में भी कलर कर देंगे। उसके बाद हम लेंगे डार्क ग्रे कलर, और इसके जूतों में करने वाले हम वो, और फिर थोड़ा ब्लू कलर लेके इधर भी कर देते हैं, और वापस से डार्क ब्राउन लेके यहाँ पर कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही खतरनाक लगने लग चुका है। अब थोड़ा लाइट ब्लू कलर लेके, जो इतने खड्डे हैं इसके सारे के सारे, सारी की सारी डिजाइंस में हम इसके लाइट ब्लू कलर करने वाले हैं। तो यहाँ पर लाइट ब्लू, यहाँ पर जितने भी हमने हाथ पर डिजाइन बनाई थी ना, वो सारी की सारी लाइट ब्लू करने वाले की। और गाइस इसके बाद हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज लगभग पूरा कंप्लीट हो ही गया। और गाइस क्या आपने गेस कर लिया ये जो फेस है वो किसका है? तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो। आप इसको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह जानते हो। गोल्डन कलर लेके यहाँ पर इसे कर देंगे, इसकी आंख में भी यहाँ पर बीच में गोल्डन कलर होने वाला है। और हम स्किन कलर लेके इसके पूरे हाथ में कर देंगे, तो यहाँ पर इसके हाथ में कर देते हैं अपन स्किन कलर, डन। और इसके फेस में हम करेंगे ब्राउन कलर। अब बताओ ये कौन है, जल्दी जल्दी बता दो। और इसके बाल हम करेंगे, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखते हैं कौन गेस कर पाएगा। तो फटाफट से गेस करो कौन है ये खतरनाक सा डॉक्टर स्ट्रेंज।
मतलब पूरा सूट और पावर्स तो उसकी है, पर ये जो बंदा है वो अलग, पर ये जो फेस है वो किसी और का है। तो गाइस हमारी ड्रॉइंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, जिस जिसने गैस किया था, देखते कौन सही गैस कर पाएगा। इसको फटाफट से रियल लाइफ में लाते हैं और गाइसर ये पेंटिंग बनाई है दुनिया के सबसे खतरनाक पेंटर ने। और गाइसर अभी आप देख सकते हो हमारी ड्रॉइंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और मैं तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा हूँ। तो जिस जिसने गैस किया था कि वो मुंडी है फ्रैंकलिन की, तो बिल्कुल सही गैस किया था, वो मैं ही था। अब हम जाएंगे और उस डोरमामू के बच्चे को बताएंगे कि हम कितने ज्यादा खतरनाक है। डोरमामू आ रहा हूं मैं, डोरमामू मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तूने डॉक्टर स्ट्रेंज को मारा, पूरे लॉस सेंटोस को परेशान किया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अबे तुझे क्या लगता है ये पांचे हाथ तू ले आएगा तो मैं तुझसे डर जाऊंगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तो आजा फिर देखते हैं कौन किसको खत्म करेगा, आज या तो डोरमामू बचेगा। तो आजा फिर देखते हैं कौन किसको खत्म करेगा, आज या तो मैं बचूंगा या फिर मैं ही बचूंगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, तू तो बिल्कुल नहीं बचने वाला। तो कैसर इस डोरमामू के बच्चे को हम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, इसको लगता है ये हमसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पर इसको पता नहीं है हमारी शक्तियां बहुत खतरनाक है क्योंकि ये मैंने खुद बनाया है। ये सारे के सारे हाथ, ये मुंह सब अपने हाथों से, अपने इन अंगुलियों से बनवाया है। ये तेरी सारे के सारे हाथ, तेरी सारी अंगुलियां सब तोड़ दूंगा मैं, जब तक है जान। तो तेरी जान अभी निकाल देता हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। ये ले बिद्दी, मैं तुझे खत्म कर दूंगा, अब मुझे गुस्सा आ चुका है। अरे कैसर तो सही में मारने लग गया, एकदम से इसको गुस्सा कैसे आ गया? रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। अगर कैसर आप चाहते हो मैं इसको बहुत ही बुरा मारूं, तो फटाफट से कमेंट में लिख दो पावर मल्टीप्लाई बाय 1000, पावर इनटू 1000 कमेंट कर दो, ताकि मेरी पावर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाए और मैं इस डोरमामू के बच्चे को हरा सकूं। तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो अगर आप चाहते हो मैं इस डोरमामू को खत्म कर दूं। कोई कमेंट नहीं करेगा क्योंकि कोई नहीं चाहता तू मुझे टच भी करे। वो तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्योंकि मैं तुझे खत्म करने वाला हूँ डोरमामू। इधर आ, तेरी तो ऐसे की तैसे इसको पटक के। ये ले, ये डोरमामू का बच्चा तो बहुत ही ज्यादा मुझे मारे जा रहा है, पर अब इसको खत्म करने की बारी आ चुकी है क्योंकि आप सबने मेरी पावर्स बढ़ा दी है बहुत ही ज्यादा और ये डोरमामू का बच्चा होगा खत्म। मुझे कभी नहीं लगा था मुझे एक बिद्दी सा काला लड़का हरा सकता है, पर तुमने मुझे हरा दिया। अबे काला किसको बोला, तेरी तो रुक जा, इसको पानी में डुबोऊंगा, मुझे काला बोल रहा है। पहले मैंने सोचा इसको मैं छोड़ दूंगा, पर अब मैं इसको नहीं छोड़ने वाला, इसको पानी में डुबो के मारूंगा, जब तक ये मर नहीं जाता तब तक मारूंगा। रुक जाओ। बहुत बढ़िया, इसी के साथ हमने डोरमामू को कर दिया है खत्म और लॉस सेंटोस को बचा लिया है इस डोरमामू से। चल निकल, और इसको हमने पानी में भी फेंक दिया। तो गाइस आप देख सकते हो फ्रैंकलिन द डॉक्टर स्ट्रेंज ने पूरे लॉस सेंटोस को बचा लिया। तो गाइस आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं इसलिए वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो, और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाके ज्वाइन फॉलो कर लेना। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।